अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन चैप्टर टू पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल के जो जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो आपके इस सीरीज में सॉल्व किए गए हैं, जिससे आपको किसी टाइप की परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं जो हमारे पे है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ 2x square minus 5x minus 3। ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं x square plus px plus q के जो जीरोज हैं वो क्या हैं, जो इसके जीरोज आएंगे उसके डबल। जीरोज इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरो से डबल होंगे। इसका मतलब जीरोज ऑफ किसके, x square plus px plus q के जीरोज इस जीरोज के डबल होंगे। तो P और Q की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। किसके, 2x square minus 5x minus 3, इसके जीरोज निकालेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 6, मल्टीप्लाई करने पर 6, माइनस करने पर 5, तो क्या आएगा फैक्टर, 2x square minus में मल्टीप्लाई करने पर 6 और माइनस करने पर 5, तो क्या आएगा 6 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का, तो 6 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि 5 माइनस का चाहिए, और 1 किसका, प्लस का। तो मेरे जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, माइनस 6x प्लस में x और ये माइनस 3। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। तो बचा क्या, x और क्या बचा, माइनस 2 की टेबल 6 में 3x बाहर आ गया, ये प्लस और ये क्या है 3 और x x के कोएफिशिएंट में 1 कॉमन है, x माइनस 3, ये दोनों सेम है, तो x माइनस 3 और क्या आएगा दूसरा, 2x प्लस 1। यहां से क्या निकल जाएंगे, इसके जीरोज निकलेंगे, क्या निकलेंगे इसके जीरोज, तो जीरोज आर क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी और 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, ये x की दो वैल्यू आ गई। अगर ये जीरोज हैं तो क्या होगा, देन मेरे पास एक अल्फा आ गया 3 आ गया और बीटा क्या आ गया, माइनस 1 बाय 2। अब हमने कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालनी है, ये वाली निकालनी है। इसकी जो जीरोज है वो इससे क्या है, डबल है। तो इसका मतलब क्या है, इफ जीरोज ऑफ किसके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसके जो जीरोज हैं इसके डबल हैं, तो क्या होंगे, न्यू जीरोज, देन द जीरोज, देन जीरोज ऑफ किसके, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस क्यू के जीरोज क्या होंगे, आर, एक इसका डबल हो जाएगा, मींस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और डबल 2 बीटा 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 और ये क्या आ जाएगा, माइनस 1। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एक जीरोज हो गया 6, एक जीरोज हो गया माइनस 1, तो न्यू जीरोज आर, एक हो गया 6 और एक हो गया माइनस 6, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ब्रैकेट क्लोज एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कह रहा है। तो एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, एक 6 और एक माइनस 1, 6 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 6 इंटू क्या आएगा, माइनस 1 बाई 2, 6 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1, दिस इज नॉट माइनस 1, दिस इज 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 माइनस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, तो p और q की वैल्यू क्या होगी, तो ये पूछा उसने, तो P और Q की वैल्यू क्या होगी, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और क्या आएगा थ्री टू एल टू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक हमारे पास सिक्स है और एक क्या है आपके पास वन, तो क्या आएगा माइनस सिक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। तो कंपेयर करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स और प्लस में क्यू, तो ऑन कंपेयरिंग तो पी इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड क्यू इज इक्वल टू माइनस सिक्स, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अगर जीरोज ये हैं डबल हैं इसके, तो हमारा पी की वैल्यू ये होगी और क्यू की वैल्यू माइनस सिक्स होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब लेट सॉरी अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ किसके सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू के, तो देन पहले इसके जीरो निकालते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं जिसके जीरोज ये हैं। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं तो पहले इसके जीरोज निकालेंगे सिक्स, वही सेम स्टेप सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू, फैक्टर स्प्लिटिंग टर्म मल्टीप्लाई करने पर सिक्स को टू से मल्टीप्लाई ट्वेल्व और प्लस करने पर सेवन, प्लस करने पर सेवन, तो इसका मतलब दो नंबर बताएंगे जिनका प्रोडक्ट बारह और प्लस करने पर सेवन, तो दो नंबर बताएंगे क्या होगा, एक हमारे पास आ गया फोर एक आ गया थ्री। और ये जो फैक्टर निकालने के तरीके हैं आपको मैंने पुरानी स्लाइड में सब बता रखे हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट स्लाइड। चार को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बारह आ जाएगा, लेकिन चार को तीन में जोड़ेंगे तो सात आ जाएगा, लेकिन सात हमें किसका चाहिए माइनस का चाहिए, तो चार भी माइनस का और सात भी माइनस का, तीन भी माइनस का। देखो माइनस फोर इंटू माइनस थ्री दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आ गया, माइनस फोर को माइनस थ्री में ऐड करेंगे तो माइनस सेवन आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया एक माइनस फोर और एक क्या आ गया माइनस थ्री। तो ये आएगा सिक्स वाई स्क्वायर माइनस में फोर वाई माइनस में टू वाई माइनस में थ्री वाई प्लस टू, इन दोनों में कॉमन सिक्स और फोर दोनों टू की टेबल में, इसमें वाई दो है इसमें वाई एक है, तो वाई भी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा टू की टेबल सिक्स में थ्री, वाई दो है एक बाहर आ गया तो एक वाई बच गया, माइनस टू की टेबल टू में, टू की टेबल फोर में टू टाइम और वाई बाहर आ गया, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस थ्री और टू, थ्री और टू दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन आ गया, वन कॉमन होता है, जब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज जाएंगे, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो अंदर वाला क्या होगा सेम, जब बाहर वन होता है तो अंदर की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती, अगर वन बाहर कॉमन है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती, अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, तो ये दोनों क्या होने चाहिए सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो थ्री वाई माइनस टू एक फैक्टर हो गया और टू वाई माइनस वन दूसरा फैक्टर हो गया, तो जीरोज आर, तो जीरोज क्या होंगे हमारे, तो जीरोज आर, जीरोज आर, एक हमारे पास क्या हो गया थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो और टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू वाई थ्री वाई इज इक्वल टू टू आ गया, तो वाई क्या आएगा टू अपॉन थ्री, 2y is equal to 1 आ गया, तो y is equal to 1 upon में 2 आ गया, ये दो जीरोज आ गए। अगर ये अल्फा बीटा है तो अल्फा is equal to then अल्फा जीरोज है तो अल्फा क्या होगा 2 by 3 और बीटा कितना हो गया 1 by 2। उसके बाद ये कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले जिसके जीरोज 1 upon अल्फा 1 upon बीटा है, तो हमने क्या निकालना है 1 upon अल्फा, तो इसका मतलब 1 upon अल्फा is equal to 1 अपॉन 2 अपॉन 3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर इनटू में 3, तो ये आएगा 3 बाई 2 और 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 2 1 अपॉन 2 तो 2 कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो 2 अपॉन 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1। तो ये जाएगा 2 अपॉन 1 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ जीरो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 3 बाई 2 प्लस में 2 बाई 1, क्या आएगा मेरे पास सम ऑफ जीरो, ये आएगा 7 अपॉन में 2 आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा
इंटू वन अपॉन बीटा, ये आ जाएगा क्या वन अपॉन अल्फा बीटा, तो इज इक्वल टू थ्री बाई टू इंटू में टू, ये टू से ये टू कट, इज इक्वल टू थ्री। तो ये मेरे पास सम ऑफ जीरो आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हुज जीरो आर, पॉलिनोमियल हुज जीरो आर, हुज जीरोज, जिसके जीरोज क्या होंगे वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा। तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मीन सम, पी मीन प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन में टू एक्स प्लस में थ्री। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम, या एलसीएम लेके टू से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस में सिक्स एंड दिस विल बी वन बाई टू। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस में सिक्स, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जिसके जीरोज क्या होंगे वन अपॉन अल्फा एंड वन अपॉन बीटा, और ये क्या है किसकी वैल्यू है के की वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू, एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पीएक्स, इसके जीरोज हैं, इसका मतलब पीएक्स एक पॉलिनोमियल है, के एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस में फोर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, तो किसकी वैल्यू निकालनी है के की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे फॉर्मूले से, क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए मींस माइनस कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये माइनस, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए मीन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। तो वैल्यू क्या करेंगे इसकी निकालेंगे, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब क्या है सम ऑफ जीरो, और वो हमें क्या रखा है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अल्फा बीटा क्या आएगा माइनस फोर अपॉन में के, ये किसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसकी जगह क्या रख देंगे माइनस फोर अपॉन में के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस टू अल्फा बीटा, टू अल्फा बीटा ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट क्या है इसमें फोर और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट के, तो फोर अपॉन में के आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे इंटू में फोर अपॉन के। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन में के स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है 24 प्लस में 8 अपॉन में के आ गया। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 16 अपॉन में ये तो सेम आएगा इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा के आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 24 के प्लस में 8, ये केस यहां तक हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपका के से के, यहां पर कट करना है कट कर दीजिए अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा के को इससे मल्टीप्लाई, के को इससे, अगर के से के कट कर दीजिए तो बचा गया 16 अपॉन में के इज इक्वल टू इसमें कुछ कॉमन आ गया, इसमें कुछ क्या आ गया कॉमन 8 कॉमन आ गया, बचा गया 3k प्लस में 1 अपॉन में क्या बचा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 8 और ये 16 कट हो रहा है 8 बन जा 8 8 टू जा 16, तो क्या बचा 2 अपॉन में के इज इक्वल टू 2 अपॉन में के इज इक्वल टू 3k प्लस में 1, इसके नीचे 1 आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा इसको इससे और इसको इससे, तो क्या आएगा k 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो 3k स्क्वायर प्लस में k इज इक्वल टू 2, और ये प्लस है इधर जाएगा किसका जाएगा माइनस 3k स्क्वायर
प्लस में के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब क्या बनाएंगे इसके फैक्टर्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसके फैक्टर बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो थ्री के स्क्वायर इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, थ्री के स्क्वायर प्लस के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो मल्टीप्लाई करने पर थ्री को टू से मल्टीप्लाई सिक्स, मल्टीप्लाई करने पर सिक्स, माइनस करने पर वन, माइनस करने पर वन। तो इसके फैक्टर बनाएंगे क्या आएगा बताओ, चलो शाबाश। तो क्या आएगा थ्री और टू आएगा, क्या आएगा थ्री और टू, थ्री और टू, थ्री और टू क्यों, तीन को दो से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आ गया, तीन में से दो माइनस करेंगे तो एक आ जाएगा, लेकिन थ्री प्लस का और वन किसका माइनस का। तो थ्री के स्क्वायर प्लस में थ्री के और माइनस में टू के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आ गया, वेरी गुड। तो अब ये क्या बना देंगे, पेयर बना देंगे, इन दोनों में कॉमन देखो थ्री और थ्री दोनों में कॉमन है, यस थ्री, और क्या कॉमन है बताओ, के कॉमन है, के कॉमन आ गया ब्रैकेट क्लोज, देखो थ्री कॉमन आ गया के कॉमन आ गया। अब जो बचा बोलिए, जो बचा हम उसे लिख देंगे, क्या बचा यहाँ पर देखो, के तीन बाहर आ गया, के दो थे एक बाहर आ गया, के बच गया, प्लस तीन बाहर आ गया के बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा वन, और वन मतलब एक, और एक भगवान सबके साथ होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता कॉमन उसके साथ एक भगवान होता है। माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस है तो माइनस ले लिया, ये टू और ये टू दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, टू की टेबल में, तो टू कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर के साइन चेंज, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है दोनों प्लस के हो जाएंगे, टू की टेबल टू में के प्लस वन, और आपको पता है ये वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए सेम, इक्वल टू जीरो। तो थ्री के माइनस टू एक ये फैक्टर बन गया, और एक के प्लस वन ये फैक्टर बन गया इक्वल टू जीरो। तो थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, के प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, के की वैल्यू, तो के की वैल्यू क्या आएगी, थ्री के इज इक्वल टू टू आ गया, तो के इज इक्वल टू टू अपॉन में थ्री, और के इज इक्वल टू माइनस वन। तो मेरे पास के की वैल्यू दो आ गई, एक क्या आ गई माइनस वन, और एक क्या आ गया टू अपॉन में थ्री। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे चैप्टर पॉलिनोमियल के चैप्टर टू टेंथ के, इसके बाद हम चैप्टर वाइज और क्वेश्चन करेंगे, पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन के भी करेंगे, हर चैप्टर के आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर के मिलेंगे, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में उनकी रिवीजन, इनकी रिवीजन कर लोगे दैट इज सफिशिएंट। साइंस के भी आपको एक सैंपल पेपर सॉल्व करा हुआ मिलेगा, आपको कराया जाएगा, फिर इलेवंथ ट्वेल्थ के भी कुछ क्वेश्चन इसमें आपको, और ट्वेल्थ के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस है वो भी आपको सॉल्व करी मिलेगी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पीएक्स, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज किसके ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स प्लस में के, देन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो मींस वो भी बताया आपने, माइनस बी अपॉन ए मींस माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा, अभी क्या कर रहा है अल्फा स्क्वायर, हमारे को किसकी वैल्यू देखिए 21 अपॉन में 4 किसकी वैल्यू देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमें क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसमें क्या करेंगे अल्फा बीटा जोड़ देंगे और अल्फा बीटा क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या आएगा 21 अपॉन में 4 आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज 2 अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा
इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4 आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 5 अपॉन में 2 आ गया, और अल्फा बीटा सी अपॉन में ए, सी मीन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है के अपॉन में ए कितना है 2, तो ये किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की जगह क्या रख देंगे, ये क्वेश्चन आगे देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 अपॉन में 2 रख देंगे का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, माइनस 5 अपॉन में ए, माइनस 5 अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सॉरी माइनस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह क्या रख देंगे अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है मेरे पास अल्फा बीटा, और वो क्या है के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4, ये प्लस का है इधर जाएगा किसका जाएगा माइनस का, तो माइनस के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4 माइनस 25 अपॉन में 4, क्या आएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप माइनस के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 21, एलसीएम कितना आएगा इसका 4 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहां क्या बचेगा 21 माइनस 4 ये क्या आएगा 25, तो माइनस के अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन में 4, इससे ये दोनों कट, तो माइनस के अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस से ये माइनस कट, तो के अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1, तो के कितना आ जाएगा के इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, और इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहां पर आपने क्या लगा दिया अल्फा बीटा ऐड कर दिया और अल्फा बीटा सबट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एंड नाउ थैंक्स, और रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो, अब बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नाउ थैंक्स।